व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मित परमार और वेलकम टू चैनल वाई। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप के अंदर जो स्टिकर्स का नया फीचर है उसमें आप अपने खुद के स्टिकर्स कैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर देना है। और चलिए हम देखते हैं कि कैसे अब हम अपने स्टिकर्स खुद बना सकते हैं और व्हाट्सएप पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए बैकग्राउंड इरेजर नाम की ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो आपको प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर देना और उसमें जाके आपको कोई भी अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी गैलरी में से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और बस आपको उस फोटो के अंदर से बैकग्राउंड को हटा देना है। देखिए यहाँ पे मैं अपनी सिर्फ एक आँख ही रख रहा हूँ और बस आपको डन कर देना है और सेव कर देना है इस फोटो को। इस फोटो को सेव करने के बाद आपको एक दूसरी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप। उसको आपको डाउनलोड कर देना है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और जैसे उस ऐप खोल के यहाँ पे अपने जितने भी स्टिकर बने उतने आ जाएंगे उस ऐप के अंदर, और जैसे आपको ऐड पर क्लिक कर देना है और हो जाएगा व्हाट्सएप के अंदर ऐड। और फिर आपको बस अपना व्हाट्सएप खोलना है और स्टिकर्स में जाएंगे अपने, तो स्टिकर्स के अंदर आपको अपना खुद का स्टिकर एक पैक देखने को मिलेगा और जस्ट आपको कर देना है उस स्टिकर को सेंड। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।